और जेपी नड्डा इस वक्त लखनऊ में हैं, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। 80 का दशक था, बीजेपी का जन्म हुआ था, जनसंघ से हम बीजेपी में आए थे, जनता पार्टी होती। मैं उस समय विद्यार्थियों में काम करता था, विद्यार्थी परिषद में काम करता था। उस समय कांग्रेस का बोल रहा हम विचार के लिए लड़ रहे थे, दूर दूर तक सफलता दिखने को नहीं दिखती थी, तो हमको लोग हमारे साथ ही बोलते थे, नड्डा यू आर अ गुड पर्सन बट इन अ रॉन्ग पार्टी। तो मैं उनसे पूछता था बट आई भाई कह, मैं सही विचारधारा के साथ, तो वो कहते थे वॉट विल यू डू विद आइडियोलॉजी। तो मैं कहता था कि आइडियोलॉजी इज दी ओनली रीजन विच ब्रिंग्स चेंजेस, वही परिवर्तन लाता है। और इसलिए हमको परिवर्तन लाना है तो आइडियोलॉजी के साथ चलना चाहिए। तो बोलते थे, हमको बोलते थे कांग्रेस के, नड्डा यू डोंट नो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज पावर, लाउड पावर नथिंग। आज जब वो मुझे मिलते हैं तो मेरे साथ ही, तो मैं उनसे पूछता हूं डू यू नो पॉलिटिक्स। कहने का मतलब यह है कि सच्चाई हमेशा आगे बढ़ती है, वो कभी लालच से भ्रमित नहीं होती है, वो सच्चाई के साथ चलती है। इसको हमको सुनाना, हमको कांग्रेस साथी मिला करते थे, कैंटीन में बैठ करके सिगरेट के गुच्छे उड़ाते हुए वो कहते थे रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन, नड्डा यू डोंट नो व्हाट इज रेवोल्यूशन। मैं कहता था यू डोंट नो व्हाट इज इवोल्यूशन, इंडिया नीड्स इवोल्यूशन, जहां इवॉल्व होता है रिवॉल्व नहीं होता, इसलिए इवॉल्व करने की आवश्यकता होती है। आज वो मिलते हैं, मैं उनसे पूछता हूं क्या हाल है, बोलते हैं कि हम यूनिवर्सिटी तक ही रह गए, कहां मालूम था कि क्या होगा। कहने का मतलब मैं ये अपने बारे में कहना चाहता हूं कि मैं उस दिन की था तो भगवान ने हमको ये मौका दिया था कि मैं सही राजनीति कर लेता ताकि उपकरण बन सकूं और परिवर्तन में मोदी जी के साथ जुड़ करके, योगी जी के साथ जुड़ करके देश और प्रदेश में परिवर्तन। तो कांग्रेस में परिवारवाद है जबकि बीजेपी में कोई भी मंत्री बन सकता है और आइडियोलॉजी ही है जो परिवर्तन लेकर आती है, कहते हुए जेपी नड्डा लखनऊ में। और आपको बता दें कांग्रेस को मई में मिल सकता है नया अध्यक्ष, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। मई में कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव कराए जा सकते हैं, तो क्या मई में मिलेगा कांग्रेस को नया अध्यक्ष? अध्यक्ष पद खाली पड़ा हुआ है, जो अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी इस वक्त सोनिया गांधी संभाल रही हैं। जब से अध्यक्ष पद छोड़ा था राहुल गांधी ने, तभी से ये कवायद हो रही है कि कब कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा। इसको लेकर जो कांग्रेस नेता हैं वो भी सवाल उठाते रहे हैं कि कोई दिशा देने वाला पार्टी को है नहीं, ये पद क्यों खाली है, और अब कांग्रेस को मई में मिल सकता है नया अध्यक्ष। Presenting V News App, available on Google Play and App Store. Download it now.